जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड के छात्रों के भविष्य का हत्यारा है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि जेपीएससी जो आयोग जो है, जहां भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया है और किसी की भी सरकार है इसके समक्ष लाचार है। ये जेपीएससी आयोग, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस आयोग की मैं बात कर रहा हूं, ये अजूबा है। यहां जैसे सर्कस में नित नए नए चीजें दिखलाई जाती हैं, उसी प्रकार ये प्रयोगशाला बना दिया है और छात्रों के भविष्य के साथ, जिसे कहा जाए पूरी ये खिलवाड़ कर रही है उनके भविष्य के साथ, उनके मानसिक रूप से उनसे प्रताड़ना कर रही है, उनसे आर्थिक रूप से प्रताड़ना कर रही है। क्योंकि मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि झारखंड बनने के बाद इन 20 सालों में जेपीएससी ने केवल 6 बार एग्जाम कंडक्ट किए हैं और ये 6 बार जो एग्जाम कंडक्ट किए हैं वो हमेशा विवाद में रही है। चाहे प्रथम जेपीएससी की बात करें, चाहे द्वितीय जेपीएससी की बात करें, कहीं सीबीआई की इंक्वायरी है, कहीं सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी है, अगर लेकिन उसका जो रिजल्ट कहा जाए वो आज भी लॉजिकल एंड पे नहीं गई है। झारखंड के समस्त छात्र, जिसे कहा जाए उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है, कुएं में ही भंग पड़ गई है। आप कल्पना कीजिए, जो एक प्रावधान संविधान में प्रावधान दिया गया है, एक संवैधानिक बॉडी जो एग्जाम कंडक्ट करे, प्रशासनिक पदाधिकारियों का चयन करे, वो भ्रष्ट तरीके से, भ्रष्ट आचरण से वो आए हैं, उनका अगर नियुक्ति होती है, साथ ही साथ उनकी विश्वसनीयता खुद कटघरे में हो, तो क्या प्रशासनिक रूप से वो कितने सफल हो पाएंगे, कितने वो अच्छे लोक सेवक बन पाएंगे, यक्ष प्रश्न ये भी है। और सबसे बड़ी बात, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि हालात ये लड़के, मैं समझता हूं जितने वो अपने विषय वस्तु के चैप्टर वो उतने नहीं पढ़ते हैं जितनी बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये वजह क्या है, मैं 3-4 चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा। अजूबा मैंने इसलिए कहा कि ये मैं विशेषकर अभी जो करंट मेरा चल रहा है 6th जेपीएससी के बारे में, जो सबसे ज्यादा विवादित रही है और आज भी ये हाई कोर्ट में लगातार ये केस लंबित है, मैं इसके 2-3 बातों को मैं बताना चाहूंगा इस आयोग के बारे। इसके पहले जो प्रथम द्वितीय, जिसमें आज भी सीबीआई का जांच जो मैंने कहा वो पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन 6th के बारे में बताना चाहूंगा कि यहां पहली बार मैंने अजूबा कहा। मैं खुद यूपीएससी लिखा हूं, मैं खुद क्वालिफाई करके आया, मैं डिप्टी कलेक्टर रहा हूं, मैं इसलिए इस बात को मैं बहुत बखूबी मैं जान रहा हूं। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा पहली बार ये अगर पीटी के रिजल्ट निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि 3 बार संशोधित रिजल्ट इसके निकाले गए हैं, कहीं कहीं 15 गुना, कहीं 261 गुना तक रिजल्ट निकाले हैं। और अजूबा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं वो जेपीएससी में सहायक पद पे भी वो कार्य कर रहे थे और स्क्रूटनी भी वही कर रहे थे, और उनके सचिव जो हैं उनके बेटे भी एग्जाम में अपीयर हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को छिपा के रखा है। एक तरफ तो मैंने कहा कि सारे लोग जो जितने भी इसके पद आयोग के मेंबर्स थे वो फरार हैं, निगरानी जांच चल रही है, आज भी पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई है। ये अलग बात है कि केसीसी लोन लेने वाले गरीब किसान को सरकार पुलिस तो पकड़ लेती है, लेकिन जेपीएससी के मेंबर को आज तक पकड़ नहीं पाई है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा आपने देखा होगा कि ये मैं आपके समक्ष बतला रहा हूं कि ये देखें कि यहां एक रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट निकलता है और एक व्यक्ति का सिलेक्शन होता है। मैं रोल नंबर भी बतलाना चाहूंगा, रोल नंबर है आपका 6801-7146, ये क्वालिफाई कर जाता है और इसके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं उससे कम होते हैं,
लेकिन क्योंकि इसका रिजल्ट निकल जाता है, फिर इसमें रेक्टिफाई की जाती है और उसके बाद उसे अंक को जो क्वालिफाइंग मार्क्स से घटाए जाते हैं। एक दूसरी बात, मैंने कहा कि यह पहली बार ऐसा होता है, चाहे यूपीएससी ले लें चाहे किसी भी स्टेट सर्विस कमीशन की बात ले लें, इसने एड में भी निकाला है, आप देखेंगे उसमें एड में लिखा है, इट विल बी ओनली क्वालिफाइंग पेपर इन विच आउट ऑफ 100 एवरी कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर ओनली 30 मार्क्स। मतलब ये अहर्ता के लिए है, इसे भी मेरिट लिस्ट में जोड़ के रिजल्ट निकाल दिए जाते हैं। और तो और ये जो एग्जाम जो पीटी के रिजल्ट निकलते हैं, जो पीटी के रिजल्ट निकले शुरू में 6000 रिजल्ट निकलते हैं, उसके बाद अच्छा उसमें फिर संशोधन होता है, उसके बाद फिर यहां पे 36000 मतलब 260 गुना भी रिजल्ट निकाल दिए जाते हैं। और उसमें मजेदार बात यह है कि जो मेन के लिए जो प्रश्न पत्र दिए जाते हैं उसमें पेंसिल के टिक मार्क भी होते हैं। यह पहली बार ऐसे देखने को मिला, ट्रेजरी से जहां से क्वेश्चन पेपर लाए जाते हैं वो खुले होते हैं। और तो और पेपर जैसे पहली बार जो रिजल्ट निकला 6000 प्रिंट किए गए हैं, बाद में जब 36000 रिजल्ट हुए तो उसे जेरोक्स करके उसे प्रश्न पत्र को स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, जो एग्जाम में अपीयर होते उन्हें दिए जाते हैं। इसलिए मैंने इसे अजूबा कहा। साथ ही साथ ये पूरी अगर प्रक्रिया को देखें, पूरी प्रक्रिया को देखें, तो मैं इसलिए इस बात को कहूंगा सरकार इतनी लाचार क्यों है, किसके संरक्षण में बातें आ रही है, क्या आयोग, क्या ये क्या जनसिद्ध अधिकार है उसे आयोग को कि जैसे चाहे छात्रों के भविष्य साथ खिलवाड़ करे। और ये 20 सालों में केवल 6 बार एग्जाम इन्होंने कंडक्ट किया है, ये बच्चे जो हमारे प्रिपेयर कर रहे हैं 14 साल जो इन्होंने एग्जाम जो 20 एग्जाम होने चाहिए थे 14 बार इन्होंने एग्जाम जो कंडक्ट नहीं किया है, इसकी भरपाई इन छात्रों के लिए कौन करेगा, इनके जो एज निकल गए हैं एज रिलैक्सेशन कैसे होगा, इनके चांस की बातों से कौन देगा। इसलिए मैंने कहा कि ये सारी के सारे आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि वक्त है इसे, आज अगर आज नहीं सुधारे तो कब सुधारेंगे। एमएलए होने के नाते, विधानसभा का सदस्य होने के नाते हम लोगों ने लगातार चाहे सदन बाधित किया, चाहे जेपीएससी के घेराव करने की बातें हुई वहां भी हमने घेराव किया, सदन में लगातार बातें आई। मैंने फिर वहां एक कमेटी बनाई, जो फाइंडिंग्स आए हैं वो फाइंडिंग्स को वहां अपने विधानसभा में आया नहीं, एक तो लाया नहीं गया है, जो रिकमेंडेशन उन्होंने दिए हैं उन चीजों को बिना लागू किए फिर एग्जाम दे रही है, तो मुझे लगता है कि ये तो सर्कल बन गया ना, जहां पे थे वहीं आप खड़े हो गए। तो सारी चीजों को लोग इस प्रकार कर रहे हैं जैसे संवैधानिक संस्था ना हो, जो कोई अपने घर की कोई संस्था हो, इस प्रकार का लोग एक्ट कर रहा है उसकी विश्वसनीयता पे दाग लग रहा है। बार बार आपके माध्यम से सदन में संज्ञान में लाई जा रही है कि जेपीएससी में घोर अनियमितता बरती जा रही है, लेकिन रिजल्ट कहा जाता सिफर जीरो हो गया। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं हार नहीं मानना है, और यह निश्चित मैं कहना चाहूंगा कि 7वीं 8वीं 9वीं जिसके लिए अभी जो विज्ञापन निकला है, सरकार को हर स्तर पे चाहे जेपीएससी और सरकार को बाध्य करना होगा कि छात्रों के साथ अन्याय ना हो, उन्हें जिसे कहा जाए उन्हें न्याय मिले, और जेपीएससी की जो विश्वसनीयता है उसे कायम रखनी है, और इसे जो भी त्रुटियां रही हैं उन त्रुटियों को दूर करते हुए चाहे चांस की बात हो चाहे एज रिलैक्सेशन की बात हो वो लोगों को देना है, और झारखंडी छात्रों को उनका हित, उनका हमेशा हितों की रक्षा हो, ये मैं प्रण लेता हूं। करे खाई, लड़े खाई और जीते खाई, जोहार। यह पूरी व्याख्यान सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, झारखंड लोक सेवा आयोग कब तक सुधर जाएगी और इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया ढंग से होने लगेगी? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, अपने सभी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप सुझाव दे सकते हैं कि किस प्रकार से झारखंड लोक सेवा आयोग को सुधारा जा सकता है। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।